करूंगी मैं रेलवे ट्रैक पर। जी हाँ, आप ऐसा मत कीजिएगा, आप रेलवे ट्रैक पर ऐसे व्लॉगिंग मत कीजिएगा। ट्रेन नहीं आ रही है, सब सोच समझ के कर रहा हूँ मैं, आप ऐसा मत कीजिएगा। वेलकम बैक टू माई चैनल और मैं आपका चाहिए आर जोमी आप लोगों के साथ हूँ। कैसे हैं? फिर से नई थीम, फिर से सुबह की नई रोशनी के साथ, आपकी नई चेतनाएं, नई जागृति और नई इच्छाओं के साथ। आपने बहुत अच्छे डीएम किए, मुझे मैसेजेस किए, मेल किए और आपकी डिमांड को मैं पूरा नहीं करूं ऐसा हो नहीं सकता। आपको पता है मैं इस सीरीज को पूरा करना चाहता हूं, वो भी इसलिए कि मुझे इतने सारे मैसेज आए, इतने सारे डीएम आए, उन सब ने मुझे लिख करके बोला कि आप इसको शूट कीजिए, उसको शूट कीजिए। तो आपका प्यार ही ऐसा है, आपने पिछले जो वीडियो है रेलवे सीरीज की इतना ज्यादा प्यार दे दिया आपने, और इससे भी ज्यादा प्यार की मुझे जरूरत है और आप मुझे निराश नहीं करेंगे इस चीज को लेकर के। तो आज मैं आया हूँ एक प्लेटफॉर्म पर जो पिच्चीवाड़ा के बाद पड़ता है, जिसका नाम है जगाबोर। जी हाँ, मैं उस ट्रैक से बात कर रहा हूँ, हालांकि CRS में कंप्लीट हो चुका है। ये राजस्थान का सबसे लास्ट स्टेशन है रेलवे का, इसके बाद आता है लुसड़िया जो गुजरात राज्य में प्रवेश कर जाएगा कुछ किलोमीटर के बाद, और ये राजस्थान का लास्ट स्टेशन है जगाबोर। मैं बात कर रहा हूँ रेलवे ट्रैक से, मैं सीधा यहाँ की सीनरी पर ले जाता हूँ, यहाँ के स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर ले जाता हूँ। यहाँ पर फास्ट ट्रेन रुकेगी कि नहीं रुकेगी वो बात की बात है, अपडेट बता दूंगा, पर यहाँ पर जो भी इंटरसिटी है वो जरूर रुकेगी, क्योंकि इस स्टेशन को बनाने का इसीलिए मकसद रहा क्योंकि एक तो इसका कम्युनिकेशन बहुत ही पास है, इधर से गुजरात बहुत पास है, 2-4-5 किलोमीटर गुजरात बॉर्डर आ जाता है, और साथ में कम्युनिकेशन स्केल को कंप्लीट करने के लिए इस प्लेटफॉर्म को बनाया गया। तो इंटरसिटी तो भैया रुकने वाली ही है, फास्ट ट्रेन रुकेगी कि नहीं रुकेगी उसका अपडेट मुझे देना पड़ेगा जब चालू होगी। CRS डूंगरपुर से लगाकर हिम्मतनगर तक पूरा कंप्लीट हो चुका है, उसको हाँ की एक सौगात मिल चुकी है। बस आप जल्द से जल्द विनंती करें ऊपर वाले से और सरकार से कि इसको चालू करें। अरे कुछ नहीं तो यार, इंटरसिटी तो चालू करें ताकि हम इस क्लाइमेट का, इस ट्रेन की रफ्तार का, इस ट्रेन के स्ट्रेक का लुत्फ उठा सके। आप देख रहे हैं ना मुझे, तो सीधा ले चलता हूं जगाबोर स्टेशन की तरफ, जो आप अपनी आंखों से देख लीजिए। कितना एकांत और कितना शांत वातावरण तो है ही, पर भैया पूरी तरह से ये जंगल में है। हाईवे से 5 किलोमीटर दूर अंदर आना पड़ता है हमें, किंगफिशर होटल है ना मेन हाईवे की, उससे राइट हैंड साइड में, अगर आप उदयपुर से आ रहे हैं राइट हैंड साइड के अंदर आ जाएंगे आप, एक रोड कटता है पुल के नीचे वहां पर, और अगर आप अहमदाबाद हिम्मतनगर से आ रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर आपको आ जाना पड़ेगा। बहुत एकांत है यहाँ पर, और बारिश के दिनों में तो यहाँ का नजारा ही कुछ और है। जंगल में है डूंगरपुर लाइन, मतलब डूंगरपुर से आएगी, और जहां पर मैं इशारा कर रहा हूँ आपको कैंप के अंदर, वो है लुसड़िया अहमदाबाद की तरफ जाएगी। तो कितने जने इस सफर का आनंद उठाना चाहते हैं वो बताइए। मैं इस ट्रैक से चल करके आपको सारा इन्फॉर्म कर रहा हूं ताकि आपको ऐसा नहीं लगे कि कुछ मजा नहीं आया। तो
कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा कि डेमो के साथ साथ क्या इंटरसिटी स्टार्ट नहीं हो सकती? हो सकती है, तो डिमांड कीजिए और कमेंट सेक्शन में जाकर के ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में जाकर के लिख दीजिए कि जल्द से जल्द इंटरसिटी स्टार्ट कर ले, क्योंकि इसका CRS भी कंप्लीट हो चुका है। पीछे पहाड़ी दिख रही है आपको, पहाड़ी इस तरफ आप देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, वीडियो को पूरा देख लीजिए। देखो ये पहाड़ी दिख रही है, ये पहाड़ी कितनी ऊंची है, इस पहाड़ी से उस पहाड़ी, ये पूरी एक पहाड़ी थी और उसको बीच में काटा गया है, काट करके बनाया गया इस स्टेशन को। तो बहुत मेहनत लगी है इस चीज को बनाने में, और आप लोगों का ऐसा अगर प्यार नहीं मिले इस मेहनत के पीछे तो यार थोड़ा सा दुख होता है, थोड़ा सा होता है। अंदर वेटिंग स्ट्रक्चर कैसा बना हुआ है, हालांकि बाहर प्लेटफॉर्म के बाहर वेटिंग चेयर्स लगी हुई हैं जो आप वहां पर वेट कर सकते हैं, चाहें तो आप अंदर भी वेट करके वेट कर सकते हैं। तो मैं टिकट काउंटर को बताता हूँ, अंदर के वेटिंग एरियाज को बताता हूँ। काउंटर ये और ये वेटिंग एरिया, ये दिख रहा है आपको, ये वेटिंग एरिया। अब मैं थोड़ा सा उस तरफ ले जाता हूं आपको, वहां पर क्या फैसिलिटीज हैं वो बता देता हूं। आप यहां पर एक बार आ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप वेट कर सकते हैं 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा। जब भी रेल विभाग कोई अपने काम को पूरा करता है तो उसमें सारी सहूलियत रखता है वो, A to Z सारी सहूलियत, सबसे अच्छी बात है। और आज के इस युग में ट्रेन का सफर सबसे बेस्ट सफर माना जाता है, कोई दिक्कतें नहीं है, आराम से कंफर्ट होकर के आप इस सफर का लुफ्त उठा सकते हैं। और ऐसा ही जो रेलवे विभाग है उसके स्टेशनों को लेकर के चलता है। तो मेरे पीछे पार्किंग एरिया कितना बड़ा है देखो आप, और सड़क कच्ची तो बन चुकी है, बाइक कार आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पीछे कितना बड़ा पार्किंग एरिया है आप देख लीजिए, आप इस तरफ भी देख लीजिए, तो ये पूरी तरह से पार्किंग एरिया आप देख सकते हैं। तो हम चलते हैं दूसरे छोर पर, जो आधे किलोमीटर पर प्लेटफॉर्म बना हुआ है उस ट्रैक को पकड़ते हुए मैं आगे आ गया हूँ। अब मैं इस लाइन के ट्रैक पर खड़ा हुआ हूँ बॉर्डर पर, और उस बॉर्डर को बताने वाला हूँ। ये जो पीछे मेरे पेड़ दिख रहा है, ये मैं यहाँ से अगर 2 कदम इधर चला जाऊंगा तो ये राजस्थान बॉर्डर है, और मैं आ गया 2-4 कदम और आगे तो आ गया गुजरात बॉर्डर। जी हाँ, यह है रेलवे ट्रैक का गुजरात बॉर्डर, यहां से स्टार्ट हो जाता है गुजरात बॉर्डर। और यहां पर आप देख सकते हैं ये जो ट्रैक है वो भी सीधा के सीधा है, और जाके हमारे डूंगरपुर की बात है तो डूंगरपुर में तो अगर पहाड़ियां नहीं होंगी, वादियां नहीं होंगी तो क्या होगा, देख लीजिए आप। तो हम खड़े हुए हैं गुजरात राजस्थान बॉर्डर पे, मजा है ना, इस बात को कहीं लिखा नहीं है बट
मैंने यहाँ पर जो सिक्योरिटी है उनसे पूछा, और इस बीच में जगापुर के बीच में सबसे कठिन बात यही बताऊं मैं आपको, कंटिन्यूस पहाड़ियां हैं और इस पहाड़ी को काटा गया है, बड़ी बड़ी पहाड़ियां हैं, उस पहाड़ी को काटा गया है, काफी टाइम लगा है। तो कितना टाइम लगा होगा इसको, करीबन 6 महीना लगा हुआ है ना, 6 महीने से ज्यादा लग गया है, 6 महीने से ज्यादा इस पहाड़ी को काट करके ट्रैक बिछाने में। और जस्ट इसके आगे जाएंगे तो 7 किलोमीटर दूर लुसाड़िया एक बड़ा स्टेशन है जो गुजरात का फर्स्ट स्टेशन आता है, राजस्थान से के बाद लुसाड़िया फर्स्ट स्टेशन आता है। और डूंगरपुर का जो फर्स्ट स्टेशन है अगर अहमदाबाद से आते हैं तो वो बिच्छीवाड़ा आता है। लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आगे तक पहुंचाएं ताकि हमारे यहाँ पर एक बार इंटरसिटी स्टार्ट तो हो जाए। पीने के पानी की कोई टंकी वंकी नहीं है, बट ये हेडपंप है और हेडपंप से अच्छा पानी शायद मेरे ख्याल से कोई मानता ही नहीं होगा कि सबसे शुद्ध पानी होता है हेडपंप का। आप इसको हिलाएं, पिए, ठंडा पानी भी मिलेगा, साफ भी मिलेगा और आपकी प्यास भी बुझ जाएगी। तो कुछ इस तरह से सुविधाओं में इंक्लूड किया है पीने के पानी को हेडपंप के जरिए रेलवे ने, तो ये भी एक नई चीज है, मुझे समझ में आई इसीलिए मैंने आपको बताया। क्योंकि टंकी अगर होती तो उसको सफाई करना, उसमें पानी भरना, उसमें दवाई डालना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती, बट ये नेचुरल पानी हमें मिल रहा है तो इसका उपयोग क्यों ना करें। ट्रैक से स्टार्ट किया और ट्रैक पे खत्म, जी हाँ, वो भी इसीलिए कि आपको इसकी इम्पोर्टेंस और आपको पता चले कि जगाबोर किस तरह का प्लेटफॉर्म बनाया है रेलवे ने, किस तरह यहाँ पर सुविधाएं रखी गई हैं, क्या टिकट्स यहाँ मिलेगी वो काउंटर भी बता दिया, ट्रैक के बारे में बता दिया, यहाँ के जो स्टेट चेंज होते हैं गुजरात स्टेट और राजस्थान स्टेट की जो लाइन है वो भी बता दी। अब फैसला आपके हाथ में, आपके कमेंट्स जितने ज्यादा आएंगे, और इस वीडियो के हम कमेंट्स रखते हैं 200 बंदे, मुझे फटाफट से मेरे इस वीडियो को देख करके डाल दीजिए कि यार इंटरसिटी स्टार्ट करो, फटाफट स्टार्ट करो, ताकि बहुत ज्यादा जंप मिले इस वीडियो को और ऊपर तक जाए, पता चले कि यहाँ सीआरएस कंप्लीट हो चुका है, ट्रैक कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ सुना नहीं पड़ा रहना चाहिए स्टेशन, जान रहे ना आप बात, इसीलिए ये लाइन चालू हो जानी चाहिए ताकि लोगों को और भी ज्यादा इंटरेस्ट, मजा और इस जिंदगी का लुत्फ उठा सके। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट्स करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें और शेयर करें ताकि इससे अच्छे अच्छे वीडियोस में लेकर के आ सकूं। आपने अभी तक बिंदास स्टेशन के नाम से इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, आबाद रहिए और ऐसे ही मुझे हद से ज्यादा प्यार करते रहिए। La parte de Puerto Rico, esa bomba yo la dedico.